बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है क्रॉनिक किडनी डिजीज़। इफ़ यू बिफोर वी प्रोसीड टूवर्ड्स द क्रॉनिक किडनी डिजीज, से पहले हमें पता होना चाहिए कि वेन एवर वी टॉक अबाउट किडनी किडनीज फंक्शन, वी हैव अ पैरामीटर बाय विच वी कैन असेस द किडनी फंक्शन, दैट इज़ GFR, दैट इज़ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। वेन एवर वी से दैट आर पेशेंट हैज़ अ GFR ऑफ लेस दैन 60 मिलीलीटर पर मिनट, वी कैन से इवन के आर पेशेंट इज़ अ विक्टिम ऑफ क्रॉनिक किडनी डिजीज़। और इफ़ वी सी दैट आर पेशेंट इज़ सफरिंग फ्राम एनी काइंड ऑफ किडनी इंसल्ट, एनी काइंड ऑफ किडनी डिजीज़ फ्राम द लास्ट 3 मंथ्स एट लीस्ट, रिगार्डलेस ऑफ एनी कॉज, तो हम कह सकते हैं जो हमारा पेशेंट है वो किडनी डिजीज़ का। दो बातें हो गई, अगर GFR लेस देन 60 मिलीलीटर पर मिनट है तो, या फिर जो हमारा पेशेंट है उसको किडनी डिजीज़ हुई हुई है फॉर एट लीस्ट 3 मंथ्स, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि हमारा पेशेंट जो है वो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का विक्टिम है। नाउ मूविंग ऑन टू वर्ड्स, कि ऐसे कौन से कॉजेज़ होती हैं जिनकी वजह से क्रॉनिक किडनी डिजीज़ होती है। इसमें जो हमारे पास मेन कॉज होती है वो डायबिटीज़ मेलाइटस होती है, हाइपरटेंशन होती है। यानी कि कहने की का मतलब ये है कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हमेशा तब होगी जब हमारे पास कोई अंडरलाइन कॉज पहले से मौजूद होगी, बॉडी में कोई ना कोई सिस्टेमिक डिसऑर्डर हुआ हुआ होगा जो कि लीड कर रहा होगा टू वर्ड्स दैट किडनी डिजीज़। उसमें हमारे पास डिफरेंट जो है ना वो चीज़ें आ सकती हैं, डिफरेंट डिजीज़ आ सकती हैं। उनमें क्या क्या डिजीज़ होती हैं वो हम अब डिस्कस करते हैं। उन कॉजेज़ में हमारे पास जो मोस्ट फेवरेट मोस्ट फेमस कॉज होती है वो डायबिटीज़ मेलाइटस होती है। ठीक है, डायबिटीज़ मेलाइटस का जो पेशेंट है उसके अंदर किडनी डिजीज़ होने के चांसेस मोर देन 50% होते हैं। इसके अलावा जो अनदर सिस्टेमिक डिजीज़ होती है वो हाइपरटेंशन होती है, क्रॉनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है, इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस या पॉलीसिस्टिक किडनी, ऑल दीज डिसऑर्डर्स, एंड इनमें मेनली जो है डायबिटीज़ मेलाइटिस और हाइपरटेंशन, दे लीड टूवर्ड्स द क्रॉनिक किडनी डिजीज़। ठीक है, अब इससे पहले कि हम मूव ऑन करें टूवर्ड्स द क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की पैथोफिजियोलॉजी की तरफ, हम एक टेबल देख लेते हैं। ये टेबल हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है कॉमन कॉजेज ऑफ क्रॉनिक किडनी डिजीज़। इसमें सबसे पहले हमारे पास मेंशन है डायबिटीज़ मेलाइटिस, देन इंटरस्टिशियल डिजीजेस, देन ग्लोमेरुलर डिजीजेस, हाइपरटेंशन, सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, रीनो वास्कुलर डिजीज़, एनी काइंड ऑफ कंजेनिटल और इनहेरिटेड डिजीज, ऑल दीज लीड टूवर्ड्स अ क्रॉनिक किडनी डिजीज। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ क्रॉनिक किडनी डिजीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास एक टर्मिनोलॉजी है जिसको हम कहते हैं क्रिएटिनिन क्लियरेंस। इसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। क्रिएटिनिन क्लियरेंस का बेसिकली मतलब ये होता है कि जितना हमारी बॉडी के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर क्रिएटिनिन की कंसंट्रेशन मौजूद है, वो पूरी की पूरी हमारी जो किडनी है उसको एक्सक्रीट आउट करनी होती है। जो क्रिएटिनिन है वो हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल नहीं होता, यानी कि हमारी जो किडनी है उसका 1% भी रीअब्सॉर्ब नहीं करती। 99.99% ऑफ द जो क्रिएटिनिन है ना वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट होना होता है। तो जितनी अमाउंट ऑफ क्रिएटिनिन हमारी बॉडी एक्सक्रीट आउट करती है, हमारे ब्लड से क्लियर करती है, उसको हम कहते हैं क्रिएटिनिन क्लियरेंस। ठीक है, अब हम मूव करते हैं टूवर्ड्स द पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में जैसे मैंने पहला पॉइंट लिखा है कि प्लाज्मा क्रिएटिनिन वेरीज इनवर्सली विद GFR, इसका मतलब ये कि अगर प्लाज्मा के अंदर क्रिएटिनिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वो वेरी करेगी विद इन्वर्सली विद GFR। यानी कि अगर तुम्हारे पास ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट ज़्यादा है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग प्लाज्मा के अंदर क्रिएटिनिन के लेवल लो होना चाहिए। ठीक है, हमने बताया था जो GFR है वो हमारे किडनी के जो प्रॉपर फंक्शनिंग है उसको असेस करता है। तो वेन एवर देयर इज़ एन इंक्रीज इन GFR विद डिक्रीज प्लाज्मा क्रिएटिनिन कंसनट्रेशन, इट मीन्स आर किडनी इज़ नॉर्मल। बट वैन देयर इज़ इंक्रीज प्लाज्मा क्रिएटिनिन कंसनट्रेशन विद अ रिड्यूस GFR, इट मीन्स आर किडनी इज़ लीडिंग टूवर्ड्स एनी काइंड ऑफ इंसल्ट, लीडिंग टूवर्ड्स एनी काइंड ऑफ फेलियर। ठीक है, उसके अलावा हम ये बताएंगे, ये बात जो मैंने आपको बताई, जो क्रिएटिनिन क्लियरेंस है वो मोस्ट कॉमन क्लिनिकल बैरियर होता है ऑफ द GFR। ठीक है, ये बात फिर से क्लियर हो गई कि अगर प्लाज्मा के अंदर क्रिएटिनिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो इसका मतलब ये कि जो हमारी जो डिजीज़ है वो प्रोग्रेस कर रही है, और अगर प्लाज्मा के अंदर क्रिएटिनिन की कंसंट्रेशन कम होगी इसका मतलब जो है हमारी बॉडी के जो पर्टिकुलर डिजीज़ है वो रिकवरी की तरफ जा रही है। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की मेजर जो इटियोलॉजी है वो यही है कि पहले से हमारी बॉडी के अंदर एनी काइंड ऑफ सिस्टेमिक डिसऑर्डर हुआ हुआ है जिसकी वजह से GFR डिक्रीज़ हो रहा है, जिसकी वजह से क्रिएटिनिन की जो क्लियरेंस है वो प्रॉपर्ली नहीं हो पा रही। जब क्रिएटिनिन की क्लियरेंस प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगी तो एट द एंड क्या होगा कि वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को इफेक्ट करेगा, बॉडी के जो ब्लड है, सीरम है, उसके अंदर क्रिएटिनिन का लेवल जो है ना वो राइज करना शुरू हो जाएगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है, अब जो है हमारे पास कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि फेवरेबल होते हैं फॉर क्रॉनिक किडनी डिजीज, अब उनको डिस्कस कर लेते हैं। हेयर आर सम फैक्टर्स मैंशन दैट फेवर टूवर्ड्स क्रॉनिक किडनी डिजीज़। उनमें हमारे पास सबसे पहली बात है कि अगर हमारा जो पेशेंट है वो किडनी डिजीज़ का पेशेंट हो पहले से,
जैसे हमने बताया कि एटलीस्ट 3 मंथ्स जो है उसको कोई किडनी डिजीज़ 3 मंथ से हुई भी हो, तो हमारा जो पेशेंट है उसकी हिस्ट्री हो किडनी डिजीज़ की, उसको एनी काइंड ऑफ सिस्टमिक डिसऑर्डर हो लाइक डायबिटीज़ मेलाइटिस लाइक हाइपरटेंशन, उसका यूरिन एनालिसिस जब हम कराएं तो उसमें हमें क्रिएटिनिन की कंसंट्रेशन का पता चले कि क्रिएटिनिन की कंसंट्रेशन रेज्ड है या डिक्रीज्ड है, उसका हम GFR मेजर कर लें, हम देख लें कि बॉडी के अंदर कोई एडिमा हुआ है या नहीं, ठीक है। इसके अलावा हम जो है किडनी को असेस करने के लिए, शेप ऑफ द किडनी को असेस करने के लिए क्या कर लेते होते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी कर लेते हैं, अल्ट्रासाउंड करवा लेते होते हैं, उस पर अगर हमें किडनी का साइज़ जो है श्रिंक मिलता है तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा पेशेंट है वो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का पेशेंट है। लेकिन जो ये साइज़ है ये एक हमारे पास वी कैन इवन से लेम सब पैरामीटर है। इसके अलावा जब हम CBC करवाते हैं, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स करवाते हैं, तो हमें पता चलता है कि जो हमारे पेशेंट है उसके अंदर हाइपरकैलेमिया हुआ है, उसके अंदर सिरोसिस हुआ है, सिरीमिया हुआ है, हाइपरफॉस्फेटीमिया हुआ है, ठीक है। उसके अलावा जो यूरिन है उसके अंदर ब्लड अपेयर हो रहा है, उसके अंदर प्रोटीन्स अपेयर हो रहे हैं, तो ये सारे जो है ना पैरामीटर्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि जो हमारा पेशेंट है वो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की तरफ मूव ऑन कर रहा है। अब जो हमारा पेशेंट है, हमें ये बात एक याद रखनी है, जो एक्यूट किडनी इंजरी का पेशेंट होता है वो मोस्टली हमारे पास इमरजेंसी में प्रेजेंट करता है, लेकिन जो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का पेशेंट होता है वो या तो आपके क्लिनिक पे प्रेजेंट करेगा, आपका पहले से पेशेंट होगा, या फिर आपको OPD में प्रेजेंट करेगा, दैट इज़ आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में जो है ना वो प्रेजेंट करेगा। ये हमारे पास एक डायग्नोस्टिक पॉइंट होता है कि अगर हमारे पास किडनी से रिलेटेड कोई सिनेरियो आया है उसमें हम पहले देख लेते होते हैं कि भाई जो पेशेंट है वो इमरजेंसी में प्रेजेंट कर रहा है या OPD में प्रेजेंट कर रहा है या आपके क्लिनिक में प्रेजेंट कर रहा है, आपका पुराना पेशेंट है, तो फिर आप इस बात से एक एस्टिमेट लगा सकते हैं कि आपका जो इंसल्ट है, जो फेलियर है, वो आया एक्यूट है या फिर क्रॉनिक है। नाउ नेक्स्ट मूविंग ऑन टुवर्ड्स द क्लिनिकल फीचर्स, के जो हमारा क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का पेशेंट है वो किन किन फीचर्स के साथ प्रेजेंट करेगा। अब हम जैसे पहले से कहते आ रहे हैं कि इसमें किसी भी किस्म का कोई सिस्टमिक डिसऑर्डर होगा, लाइक अगर हाइपरटेंशन हुई हुई है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इन्वॉल्व है, तो हमारे पास जो है वो सिम्टम्स किस तरह के प्रेजेंट होंगे। उसके अंदर जो पेशेंट है सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन हो रही होगी, हाइपरटेंशन में क्या है कि वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रही है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से जो ब्लड है वो प्रॉपर्ली किडनी तक नहीं जा रहा, किडनी को स्टेट कौन सी रिसीव हो रही है, हाइपोवोल्यूमिया की स्टेट रिसीव हो रही है, हाइपोवोल्यूमिया के स्टेट रिसीव होगी तो किडनी क्या करेगी, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन के मैकेनिज्म को फास्ट करेगी, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑफ द बॉडी एक्टिवेट हुआ है, फिर क्या होगा कि सॉल्ट एंड वाटर की टेंशन होगी, सॉल्ट एंड वाटर की जब एक्सेसिव रिटेंशन होगी दैट विल लीड टू एडिमा हो जाएगा। इसके अलावा जब सॉल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी दैट विल लीड टू हाइपरटेंशन। अब ये हमने एक फ्लो शीट ड्रॉ कर ली है, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि अगर हाइपरटेंशन हुई है तो हमारे पास क्या हुआ है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हुई है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से जो ग्लोमेरुलस है उस तक प्रॉपर्ली ब्लड रीच नहीं हुआ, प्रॉपर्ली ब्लड जब रीच नहीं होगा तो ऑब्वियसली बात है ब्लड में से जो फिल्टर होने वाले सब्सटेंसेस होंगे यानी जो हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होगा वो भी कम होगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कम होगा तो हमारे पास क्या एक्टिवेट हो जाएगा, बॉडी के अंदर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के रिस्पॉन्स में रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन मैकेनिज्म एक्टिवेट होगा, उसने क्या करा देना है, सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन करवा देनी है। इस तरह अगर हमारा जो पेशेंट है वो कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर का पेशेंट है तो उसके अंदर ऑलरेडी क्या हो रहा है, प्लूरल इफ्यूजन हो रही है, प्लूरल जो है हमारे पास एडिमा हो रहा है, तो उसके अंदर बेसिकली क्या हुआ है, वॉल्यूम ओवरलोड हुआ है, तो हमारे पास जब वॉल्यूम ओवरलोड होगा किडनी को ये सारा जो प्रोसीजर है ये किडनी के ऊपर ओवरलोड का बाइस बनेगा और जो किडनी है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है ना वो डिस्ट्रक्शन की तरफ मूव ऑन करेगी। अब हम अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है वो देख लेते हैं, GIT के अंदर बेसिकली क्या कॉजेज होती हैं। GIT के अंदर हमारे पास ये होता है कि अगर पेशेंट के अंदर जो पेशेंट है वो हमारे पास प्रेजेंट करता है विद एक्सेसिव वॉमिटिंग, एक्सेसिव डायरिया के साथ प्रेजेंट करता है, तो क्या होगा, पेशेंट के अंदर से जो सॉल्ट्स हैं, जो वाटर है, एक्स्ट्रा वाटर, नॉर्मल जो कंसंट्रेशन में उसका वाटर है, जो सॉल्ट्स हैं वो सारे के सारे बॉडी से मूव आउट कर गए हैं आउटसाइड, ठीक है। एक्सेसिव स्वेटिंग है या कुछ भी है तो जो सॉल्ट्स हैं उनका लेवल डिक्रीज हो गया है, सॉल्ट का लेवल डिक्रीज हुआ है, वाटर का लेवल डिक्रीज हुआ है, वही हाइपोवोल्यूमिया की स्टेज आ रही है टुवर्ड्स द किडनी, जो किडनी है उसको रिटेन करना पड़ा है सॉल्ट एंड वाटर को। इसके अलावा क्या होता है कि जो जब GIT ब्लीड होता है, जब एनी काइंड ऑफ इंसल्ट होता है विद इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, GIT में ब्लीड होगा, ब्लड सेल्स जो हैं वो मूव ऑन करेंगे टू द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, उसकी वजह से क्या होगा कि जो पोटेशियम है वो भी एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा विद इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, एसिडोसिस हो जाएगा, हाइपरकैलेमिया हो जाएगा, ठीक है। नाउ अब हम मूव ऑन करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट फैक्ट। अब जो बेसिकली क्लिनिकल फीचर्स हैं वो किडनी के फंक्शंस भी हैं, जब किडनी डैमेज हो रही है तो उसके जो मेन फंक्शंस हैं वो भी डैमेज हो रहे हैं, ठीक है। अब हमने बता दिया कि हमारा GIT के बाद हाइपोकैल्सीमिया हो रहा है, हाइपोकैल्सीमिया क्यों होता है, बेसिकली जो किडनी है वो विटामिन डी को एक्टिवेट कराती होती है, किस तरह, 125 डाइहाइड्रोक्सीकॉलीकैल्सीफेरॉल दैट इज़ 125 विटामिन डी को एक्टिवेट कराती होती है किडनी,
जब किडनी की इंसल्ट हो गई, किडनी डैमेज हो गई, तो हमारे पास विटामिन डी की इनसफिशिएंसी हो जाएगी। विटामिन डी जो है वो बेसिकली मेन ट्रांसपोर्टर होता है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ कैल्शियम इन टू द सेल्स, ठीक है। जब कैल्शियम की ट्रांसपोर्ट नहीं होगी, कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाएगी, विटामिन डी नहीं है तो हमारे पास बेसिकली क्या हो रहा है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो रही है। कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो हाइपरकैल्शेमिया हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो हमारी किडनी है वो एक मेजर प्रोटीन हमारी बॉडी का एरिथ्रोपोइटिन की सेक्रीशन करा रही है। एरिथ्रोपोइटिन इज इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ द ब्लड सेल्स। जब एरिथ्रोपोइटिन नहीं बनेगा, ब्लड सेल्स नहीं बनेंगे, तो पेशेंट जो है वो फिर प्रेजेंट करेगा एनीमिया के साथ। इसके अलावा हमारी बॉडी में जितने भी सब्सटेंसेज हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, उनका जितने भी सब्सटेंसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनका जो मेन एक्सक्रीटरी पाथवे है वो किडनी है। किडनी से उन्होंने रिमूव आउट होना है फ्रॉम द बॉडी। तो जाहिर से बात है, जब किडनी डैमेज है तो हमारी बॉडी का जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है, जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रहा है, वो ट्रीट नहीं हो पाएगा, और जो पेशेंट है वो फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के साथ जो है ना वो प्रेजेंट करेगा। इस फ्लोशी डायग्राम से हम बेसिकली ये बता रहे हैं कि किडनी का जो डैमेज हो रहा है, जो किडनी का ट्यूबुलर सिस्टम डैमेज हो रहा है, वो क्यों डैमेज हो रहा है। किडनी का ट्यूबुलर सिस्टम जो है वो इसलिए डैमेज हो रहा है कि जहाँ हमारे पास एनी काइंड ऑफ सिस्टमिक डिसऑर्डर लाइक डायबिटीज़, लाइक हाइपरटेंशन। तो डायबिटीज़ में क्या है कि जो रीनल ब्लड फ्लो है टूवर्ड्स द किडनी वो डिक्रीज़ हो रहा है। हम हमेशा पढ़ते हैं कि हमारे पास जो डायबिटीज़ होता है उसके अंदर न्यूरोपैथीज़ होती हैं, उसके अंदर नेफ्रोपैथीज़ होती हैं, उसके अंदर माइक्रोवास्कुलर एंजियोपैथीज़ होती हैं, मैक्रोवास्कुलर एंजियोपैथीज़ होती हैं। तो जब माइक्रोवास्कुलर या फिर मैक्रोवास्कुलर एंजियोपैथीज होंगे थायरोसिक्लेरोसिस की वजह से, तो जो रीनल ब्लड फ्लो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। जब रीनल ब्लड फ्लो डिक्रीज़ होगा तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कम हो जाएगी, ठीक है। हाइपरटेंशन के केस में क्या हो रहा है कि जो है सोडियम रिटेंशन हो रही है, ठीक है। अब ये होता है कि अगर हमारे पास ग्लोमेरुलर हाइपरफिल्ट्रेशन होने लग जाती है, ग्लोमेरुलस को बहुत ज़्यादा वर्क परफॉर्म करना पड़ जाता है इन ऑर्डर टू मेंटेन बॉडी इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, इन ऑर्डर टू मेंटेन द बॉडीज़ नॉर्मल एक्सक्रीटरी सिस्टम। किडनीज़ को किडनी के ऊपर जो वर्कलोड है वो इंक्रीज़ हो जाता है, यानी कि ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन जो होती है सब्सटेंसेस की वो इंक्रीज़ हो जाती है। हाइपरटेंशन के केस में सोडियम रिटेंशन इंक्रीज़ हो रहा है, डायबिटीज़ के केस में फर्दर जो है ना हमारे पास सब्सटेंसेस की रीअब्जॉर्प्शन हो रही है, ग्लूकोज जैसे सेक्रीट हो रहा है यूरिन के अंदर, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ग्लूकोज जो है ना वो सिक्रीट हो रही है यूरिन के अंदर। तो इसी तरह क्या है कि ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन जो है वर्कलोड ट्यूब्यूल्स पे बढ़ जाएगा। जब ट्यूब्यूल्स पे वर्कलोड बढ़ेगा, हमारी बॉडी की हर चीज़ जल्दी ऑक्सीजन पे मेन व्यूल ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन की कंजम्पशन बढ़ जाएगी। अब क्या होगा, ऑक्सीजन की कंजम्पशन तो रेज हो रही है, लेकिन जो हमारे पास नॉर्मल क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है उतनी तो सप्लाइड है, लेकिन अब चूंकि वर्कलोड बढ़ गया तो इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे पास सप्लाई नहीं हो रही। इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास एनी काइंड ऑफ इस्कीमिया हो चुका है पीछे, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो प्रॉपरली रीच नहीं कर रहा। और ये भी वजह हम ले सकते हैं कि जो वर्कलोड इंक्रीज़ हुआ है इसकी वजह से ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। अब हमारी बॉडी के पास इतनी ऑक्सीजन है नहीं कि वो किडनी के जो ये ओवरलोड है इसको प्रोवाइड कर सके। तो टिश्यू हमारे पास क्या किस सिचुएशन की तरफ मूव ऑन करेगा, टिश्यू हमारे पास हाइपोक्सिया की तरफ चला जाएगा। हाइपोक्सिया से बेसिकली हमारे पास क्या क्या होता है, हाइपोक्सिया की वजह से हमारे पास रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ की प्रोडक्शन होती है, जो कि फर्दर डैमेज टू द सेल करवाती होती है, नेक्रोसिस करवाती होती है। फिर क्या होता है कि हाइपोक्सिया की वजह से ट्यूबुलर इंटरस्टीशियल इंजरी हो जाती है, कोई माइक्रोवास्कुलर इंजरी हो जाती है टू द किडनी, ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस हो जाता है। दैट दीज ऑल आर द कॉजेज दैट लीड टूवर्ड्स अ क्रॉनिक किडनी डिजीज़। एट द एंड क्या हो जाता है, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हो जाती है। नाउ अब हमने बताना है कि हम अपने पेशेंट को ये क्लिनिकली तो डायग्नोस कर चुके हैं कि जो हमारा पेशेंट है वो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का विक्टिम है, उसका हम जो है डायग्नोसिस किस तरह बनाएंगे। उसके हम डायग्नोसिस बनाने के लिए हम सबसे पहले पेशेंट का यूरिन एनालिसिस करा लेंगे। यूरिन एनालिसिस से हमें पता चल जाएगा कि उसके यूरिन में कितनी क्रिएटिनिन की कंसनट्रेशन मौजूद है, जिससे मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर 1.5 जो है क्रिएटिनिन का लेवल रेज्ड है, इसका मतलब हमारा जो GFR है वो 25% रिड्यूस्ड है। अगर हमारे पास क्रिएटिनिन की कंसंट्रेशन 2-fold इंक्रीज़ है तो GFR हमारा 50% जो है वो डिक्रीज़ है। अगर मोर देन 2 है तो विद द प्रोग्रेशन ऑफ क्रिएटिनिन इंक्रीज देयर इज़ अ डिक्रीज इन GFR। जैसे मैंने भी आपको पहले बताया था कि जो क्रिएटिनिन है, प्लाज्मा क्रिएटिनिन है, उसका GFR के साथ इनवर्स रिलेशन बनता है। हमने यूरिन एनालिसिस मेयर क्या करना है, क्रिएटिनिन क्लियरेंस मेयर कर लेने इन ऑर्डर टू एस्टिमेट द GFR। अभी हम पीछे पढ़ के आए कि जो किडनी है वो एरिथ्रोपोइटिन की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती है, तो हम CBC जब पेशेंट की करवाएंगे तो उसका HP लेवल डिक्रीज होगा। HP लेवल डिक्रीज क्यों होगा, एरिथ्रोपोइटिन नहीं बन रहा, रेड ब्लड सेल्स नहीं बन रहे, एनीमिया हो रहा है, सीरम इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा, पोटेशियम की एक्युमुलेशन होने लग जाएगी, हाइपरकैलेमिया हो जाएगा, कैल्शियम की जो है वो
एक्यूमुलेशन होने लग जाएगी, हाइपर कैल्सीमिया और कैल्शियम की सॉरी डेफिशिएंसी होने लग जाएगी क्योंकि विटामिन डी नहीं बन रहा, पोटेशियम जो है उसका लेवल इंक्रीज़ करने लग जाएगा। इसके अलावा जो सीरम प्रोटीन्स हैं वो किडनी चूँकि डैमेज है तो वो किडनी के जरिए यूरिन में आपके एरोना शुरू हो जाएंगे। फिर हम रीनल अल्ट्रासाउंड करवा लेंगे इन ऑर्डर टू रूल आउट फॉर एनी काइंड ऑफ कैल्क्यूलाई विच इज़ प्रेजेंट इन द किडनी, ठीक है। इसके अलावा फिर हम अल्ट्रासोनोग्राफी के ऊपर इवेल्युएट कर लेंगे साइज ऑफ द किडनी। अगर स्मॉल किडनी है तो हम देख लेंगे कि हमें एक हमारे माइंड में रफ सा आइडिया हो जाएगा कि जो पेशेंट है वो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का विक्टिम है, या फिर हम उसके अलावा क्या करा सकते हैं रीनल बायोप्सी करा लेंगे। ये सारे फैक्टर्स होंगे जो हमें बताएंगे कि जो हमारा पेशेंट है वो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का विक्टिम है। अब मैं आपको बताने लगी हूँ कि जो हमारा पेशेंट है उसके अंदर एसरोसिस क्यों हो रही है, उसके अंदर हाइपरकैलेमिया क्यों हो रही है। अब हमने बताया था कि ये फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ब्लड वेसल है, इसके अंदर हमारे पास कोई एथेरोस्क्लेरोटिक प्लग बन गया है। एथेरोस्क्लेरोटिक प्लग जब हमारे पास इसके अंदर एक्यूमुलेट हुआ है तो यहाँ से ब्लड फ्लो टूवर्ड्स दैट पर्टिकुलर ऑर्गन डिक्रीज़ हो गया है, ठीक है। वो जो हमारे पास टिश्यू है उसके अंदर क्या हो गया है, इस्कीमिया हो गया। टिश्यू के अंदर बेसिकली क्या होंगे, इस्कीमिया होंगे, ठीक है। टिश्यू के अंदर इस्कीमिया हो जाएगा, इस्कीमिया के रिजल्ट में हमारे पास क्या होगा कि एरोबिक जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, एनएरोबिक रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर। वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो एनएरोबिक रेस्पिरेटरी सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा। एनएरोबिक में हमारे पास हमेशा क्या होता है, लैक्टिक एसिड की प्रोडक्शन होती है, ठीक है। लैक्टिक एसिड का लेवल रेज होता है, दैट लीड टूवर्ड्स द लैक्टिक एसिडोसिस, यानी कि ये क्या करा देगा, एसिडोसिस। अब होगा क्या, हमारी जो ये ब्लड वेसल है जो हमने ये ड्रॉ की है, ब्लड वेसल के अंदर हम एक नई ब्लड वेसल ड्रॉ कर लेते हैं। अब ब्लड वेसल के अंदर बेसिकली क्या हुआ है, हाइड्रोजन का लेवल रेज हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन का लेवल जब रेज होगा तो हमारी बॉडी कंपेंसेटरी मैकेनिज्म एक्टिवेट करेगी। कंपेंसेटरी मैकेनिज्म ये क्या होता है कि हमारे पास जो सेल होता है, सेल के अंदर हमारे पास हाइड्रोजन पोटेशियम एक्सचेंजर होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन पोटेशियम एक्सचेंजर। अब ये हाइड्रोजन पोटेशियम एक्सचेंजर का मतलब ये होता है कि जब ब्लड के अंदर हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन रेज हो जाएगी तो जो ये हाइड्रोजन पोटेशियम एक्सचेंजर है ये हाइड्रोजन को मूव कराएगा विद इन द सेल और इसके रिस्पॉन्स में पोटेशियम को मूव कराएगा आउटसाइड ऑफ द सेल, यानी कि ब्लड के अंदर अब क्या हो जाएगा, पोटेशियम का लेवल भी रेज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जब ब्लड के अंदर पोटेशियम का लेवल रेज होना स्टार्ट होगा तो इससे हमारे पास क्या होगा, हाइपरकैलेमिया हो जाएगा। एसिडोसिस क्यों हो रही है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन एक्टिवेट हो रही है जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड की एक्युमुलेशन हो रही है, वो एसिडोसिस करा रही है। एसिडोसिस के रिस्पांस में हाइड्रोजन पोटेशियम जो एक्सचेंजर है वो एक्टिवेट हो रहा है और उसकी वजह से पोटेशियम जो है वो ब्लड के अंदर एक्युमुलेट होकर हाइपरकैलेमिया करा रही है। टूवर्ड्स द ट्रीटमेंट ऑफ क्रॉनिक किडनी डिजीज़, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट को हम ट्रीट किस तरह करेंगे, सबसे पहले हम अपने जो पेशेंट है उसको एडवाइस करेंगे कि वो अपनी डाइट का ख्याल रखे, बी केयरफुल अबाउट हिज डाइट, ही must be advised not to take excessive quantity of protein in, not to take excessive quantity of the salt or sodium in, not use of excessive quantity of fluid. अगर हम उसको कहेंगे कि वो protein कम ले, इट्स मीन्स वी आर प्रिजर्विंग ओवर पेशेंट फ्रॉम एक्सेसिव प्रोटीन ओवरलोड। सोडियम का ओवरलोड कम करेंगे तो हम बेसिकली ऑलरेडी सोडियम रिटेंशन हो गया तो सोडियम के ओवरलोड को रिड्यूस करेंगे और उसके अलावा जो है हम पेशेंट के जो है सॉल्ट लेवल को मेंटेन कर रहे होंगे। अब हम अपने पेशेंट को एडवाइस करेंगे कि वो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स ले। हमने अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जो बेसिकली रेनिन एंजियोटेंसिन है वो कहाँ पे ऐड कर रहा होता है, वो एफरेंट आर्टेरियोल्स ऑफ द ग्लोमेरुलस पे ऐड कर रहा होता है। उसका काम क्या होता है, वैसे कॉन्स्ट्रक्शन करवाना। तो जब हम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स यूज़ करेंगे तो वो बेसिकली क्या करेंगे, वो डायलेट करेंगे एफरेंट आर्टेरियोल्स को, तो मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ द ब्लड जो है वो वहाँ से पास कर सकेगा और किडनी के ऊपर जो ओवरलोड हो रहा है वो रिड्यूस हो जाएगा। इसके अलावा हमें ये बात पता है कि जो हमारा क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का पेशेंट है वो बेसिकली किसी भी किस्म की सिस्टेमिक डिसऑर्डर से एसोसिएटेड है। तो जो उसका सिस्टेमिक डिसऑर्डर है अंडरलाइंग, आइदर इट इज़ हाइपरटेंशन, आइदर इट इज़ डायबिटीज़ मेलाइटिस, हमें उसको ट्रीट आउट करना है। पेशेंट को एडवाइस करें कि उसके लिए अपनी मेडिकेशन को कंटिन्यू रखें, ठीक है। हमने यहाँ पे लिख दिया कि हमने क्या करना है, स्ट्रिक्ट ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना है। अगर हमारा पेशेंट स्मोकर है तो हमने उसकी स्मोकिंग को रुकवा देना है, स्मोकिंग सेसेशन करानी है। बता चुके कि हमारा जो पेशेंट है अगर वो डायबिटिक है तो हमें उसे उसका जो ग्लूकोज लेवल है उसको कंट्रोल रखना है। इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस हुआ हुआ है तो हमें उसे इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस को करेक्ट करना है। हाइपरफॉस्फेटीमिया हुआ हुआ है, फॉस्फेट का लेवल ज़्यादा हुआ हुआ है तो हमें उसको करेक्ट करना है विद कैल्शियम सिट्रेट। कैल्शियम सिट्रेट बेसिकली जो है वो बाइंड करता है फॉस्फेट को अपने साथ और कैल्शियम को रिलीज़ कर देता होता है। इसके अलावा हमने एसिडोसिस को ट्रीट करना है। एसिडोसिस को ट्रीट करने के लिए हम पेशेंट को ना एक्सरसाइज रिकमेंड करते हैं। एक्सरसाइज में क्या होता है, हम पेशेंट को कहते हैं कि वो डीप ब्रेथ ले और जल्दी से छोड़ दे, ठीक है। इसमें क्या होता है कि पेशेंट में ऑलरेडी हाइपरकार्बिया हुआ था तो हमने कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को रिड्यूस करने के लिए पेशेंट को एडवाइस कर देते हैं कि वो डीप ब्रेथ ले और जल्दी छोड़े, यानी कि बहुत गहरा सांस ले और बहुत जल्दी से छोड़ दे, ठीक है।
और अगर ऐसा नहीं होता, यानी अगर बहुत ज़्यादा ही सिरोसिस हुई है, तो हम उसको जो है ओरल बायकार्बोनेट की रिप्लेसमेंट कर देते होते हैं। एनीमिया को ट्रीट करने के लिए हम एरिथ्रोपोइटिन प्रोटीन की इम्प्लांटेशन कर देते हैं। पल्मोनरी एडिमा को ट्रीट करने के लिए हम इंडिकेशन देखने के बाद डायलिसिस कर देते हैं। इसके अलावा जो हमारा पेशेंट है उसके अंदर प्रूराइटिस हो जाता है, प्रूराइटिस को ट्रीट करने के लिए हम कोलेस्टेरामीन दे देते होते हैं। और हम क्या करते हैं कि पेशेंट का डायलिसिस करा देते हैं अगर हमें पता है कि हमारे इन तमाम जो है प्रोपेगेंडास के बावजूद भी पेशेंट ट्रीट आउट नहीं होता, पेशेंट का जो किडनी फेलियर है वो कंट्रोल में नहीं आता, तो हम डायलिसिस करवा देंगे। डायलिसिस की इंडिकेशंस अब हमारे पास क्या होंगी? इंडिकेशन डायलिसिस की हमारे पास ये होंगी कि जो पेशेंट है उसके अंदर सीवियर एसिडोसिस हुआ हुआ है, ठीक है। एसिडोसिस के हमारे पास सिम्टम्स आ रहे हैं, परसिस्टेंट हाइपरकैलेमिया है। हाइपरकैलेमिया के हमारे पास जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो क्या होते हैं कि जो हमारा सोडियम पोटाशियम एटीपीएस होता है हार्ट मसल्स के अंदर, वो बेसिकली ओवर एक्टिवेट हो जाता है। ओवर एक्टिवेट उसकी एक्टिवेशन जो है ना विद द पैसेज ऑफ टाइम हाइपर एक्टिव हो जाता है। हाइपर एक्टिव होने की वजह से क्या होगा, वो एरिथमियाज कॉज करेगा। एरिथमियाज जो है वो हमारे कार्डिक फंक्शन के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। एरिथमियाज कॉज होंगे दैट विल लीड टुवर्ड्स अ कार्डिक फेलियर, पेशेंट कोलैप्स हो जाएगा। इसके अलावा हमने देख लेना है कि जो डायलिसिस है, कुछ ड्रग्स होती हैं जिनकी इंटॉक्सिकेशन की वजह से जो है ना किडनी फेलियर हो रहा होता है, हमने उनको भी डायलिसिस के ज़रिए ट्रीट करना है। फ्लूइड ओवरलोड है तो हमने उसको भी डायलिसिस के ज़रिए ट्रीट करना है। यूरिन यूरिया का लेवल अगर ब्लड में रेज हो गया तो उसको भी हमने ट्रीट करना है। यूरिमिया जो है यहाँ पे क्यों हो रहा है, ये वजह मैंने आपको बताई थी पिछली अपनी वीडियो में कि जाहिर से बात है जब ब्लड बहुत कम है किडनी की तरफ तो फिर जो है जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं ब्लड यूरिया नाइट्रोजन या क्रिएटिनिन है तो वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो रहा है ब्लड के अंदर, ठीक है। क्योंकि किडनी का फंक्शन डिस्टर्ब है, किडनी का फंक्शन डिस्टर्ब है तो जो नॉर्मली सब्सटेंस एक्सक्रीट आउट होने चाहिए वो एक्सक्रीट आउट नहीं हो रहे तो वो ब्लड के अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे, इस वजह से यूरिमिया हो जाएगा। आई होप आज की वीडियो से आपको क्रॉनिक किडनी डिजीज क्लियर हो गया होगा।